जालौन में आशा कार्यकर्तियों ने कलेक्ट्रेट में किया विरोध प्रदर्शन। समय से मानदेय न मिलने का लगाया आरोप। राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की उठाई मांग। न्यूनतम वेतन 18,000 किए जाने की मांग भी उठाई गई। डीएम जालौन के माध्यम से भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन। उरई के कलेक्ट्रेट में किया गया धरना प्रदर्शन। विभाग में तैनात है, आशा संगनी के पद पे तैनात है, पूर्व जिलाध्यक्ष। अच्छा, आप ये बताइए क्या समस्या आ रही है आज आप लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन? आज तो हमारा मुख्य मुद्दा सर मुख्यमंत्री जी को डीएम जी के माध्यम से सर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है। जो हमारी मतलब न्यूनतम जो मानदेय है वो 18,000 किया जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और हम लोगों के सामने समस्याएं तो बहुत है, अगर गिनती गिनाएंगे तो समस्याएं नहीं हल हो पा रही है जिले से। तो मानदेय जो है जो प्रोत्साहन राशाओं को मिलती है वो काफ़ी विलम्ब मतलब लंबित होकर दिया जाता है, जो परेशान हो जाती है आशा भाई। छोटी सी मानदेय है 2,000-2,500, उसमें भी 3-3-4-4 महीना नहीं मिलता है, जिसमें आशाओं को घर का खर्चा चलाना, बच्चों को पालना बहुत दिक्कत में हो जाता है। और एक राज कर्मचारी बजट का 1500 रुपया लागू किया गया था, वो अभी 3-4 माह से नहीं मिला किसी। अच्छा, अभी कितने महीने से आप लोगों को मानदेय नहीं मिला? ये मतलब राज बजट का अभी 3 महीने से नहीं मिला हुआ। तो क्या आश्वासन दिया अभी अधिकारियों ने? अभी तो यहाँ किसी ने ये दिया गया है कि अभी मतलब बजट नहीं है और डाल दिया जाए, ये आश्वासन। और ये हर बार ऐसा हो।